हेलो वेलकम एंड गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? सब ठीक ही होगा। तो आज बड़े दिनों बाद आपका स्वागत है नए ब्लॉग में, क्योंकि जो ब्लॉग पिछले आ रहे थे वो तो पुराने ही थे, तो उनके लिए सॉरी यार, अब नए ब्लॉग आएंगे कंटिन्यू। तो अभी आँख और मुँह से आवाज़ से पता चल रहा होगा कि अभी जस्ट सुबह उठकर फ्रेश होकर मैं कुएँ पर आया हूँ, और आकर देखा तो वाह, इधर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा फेंसिंग के पहले, क्योंकि क्या दिनांक है भाई, मेघड़ा हो रहा है बरसात के टाइम, जो होना चाहिए था सर्दी में। तो कोई नहीं, नेचर भी क्या कुछ करता रहता है, वो उसकी मर्जी भाई साहब। चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, क्या कुछ होता है आगे अपने झोंपड़ा जिसमें अपन रिकॉर्ड करते हैं। चलिए मिलते हैं आगे, कुछ क्या कुछ होता है देखते हैं दिन में। इधर अभी सोयाबीन की बुवाई हो चुकी है, और वो भी इतनी बड़ी हो गई है जिसमें कि फूल आ रहे हैं। जिनने भी नहीं देखा हो, जो उस बड़े शहरों में रहते हैं, तो उनके लिए है ये, जिसमें से आप सोया ऑयल खाते हो ना सोयाबीन का, वो इसी में उसकी फल लगता है। इसके बाद वो जाता है फैक्ट्रियों में, फैक्ट्रियों से फिर वो रिफाइंड में पॉइंट क्या होता है, जिसके बाद होकर निकल कर जिसके बाद आपका पैकेट में बनकर आ जाता है। तो पहले तो क्या यहीं गाँव में निकाल लिया जाता है वो कोल्हू से, पर अब ऐसा कुछ है नहीं है, तो अभी तो पैकेट में आ जाता है बना बनाया। तो कोई नहीं, ये इधर सारा कुछ अपना ही है खेत, और उधर भी है, दिखाएंगे कभी। देखे होंगे मस्त फूल लग रहे हैं, वो एक नंबर। पहले तो भाई साहब कोहरा देखिए आप, कोहरा मतलब कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा यार, क्या बात है। जो ठंडों में होना चाहिए था वो बरसात में हो रहा है, कोहरा डोंट नो। और अभी तो ओस भी पड़ने लगी है, ये ओस जिम रही है, घास हो रहा है बड़ा बड़ा, इसके उस पार नदी है, वहाँ खजूर भी। जस्ट 2-3 महीने से मैं ब्लॉग नहीं बनाया, तो मक्के मेरे बराबर की हो गई है, तो कितना कुछ बदल गया। तो देख सकते हैं इधर बैगन के पेड़ लग रहे हैं, भट्टे के बैगन हैं, इनमें तो अभी फल आएगा, फूल लगेंगे। पहले तो इधर मक्की देखो कितनी बड़ी हो गई है, इधर तो सड़क चली रही है। सो अब से कंटिन्यू ब्लॉग जरूर आएंगे, पहले यार क्या नहीं आ पा रहे थे यार, कोई प्रॉब्लम चलती रहती है लाइफ में, बट अब कंटिन्यू रहेंगे अपन। तो मक्के मेघड़ा सब कुछ है अभी तो। आज कोहरे के चक्कर में सूरज नारायण जी भी नहीं निकल रहे हैं सही से, दिख नहीं रहे होंगे आपको, ये कोहरे की वजह से कोहरा हो रहा है भाई, कोहरे। मक्का 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 मक्के में आएगा अभी यहाँ फूल, जिसके बाद लगेंगे यहाँ भुट्टे। उधर झोंपड़ा देकर आया अपना टूटा फूटा, व्यू तो ठीक ही लग रहा है आज का, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों में आ गए हो। पहाड़ हैं यहाँ इधर, लेकिन दिखते नहीं हैं, उधर की साइड हैं, इधर भी हैं, बस 2-4 किलोमीटर के पास ही हैं। और क्या, और पेड़ों के चक्कर में देखते नहीं, आसपास पेड़ ही पेड़, हरियाली हरियाली है। और हाँ गाइस, अपने मेन चैनल पर 25,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 25K, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ लाइव आता हूँ या कुछ करते हैं प्रोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल वीडियोज़, आप सबका सपोर्ट बनाए रखिए, और भी आएंगे। बाल तो आप देख ही रहे होंगे, हालात ख़राब है, कटवाने पड़ेंगे बाल आके, और अभी हो रही है सोने की वजह से, वीडियो एडिटिंग करने, मोबाइल चलाने की वजह से, क्या कुछ हो रहा है अभी भाई। ये मोबाइल एडिक्शन भी बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे दूर ही रहना बचकर, क्योंकि साला एक बार लग गया ना कोई भी एडिक्शन। तो चलिए सुबह सुबह नेचर को एंजॉय कर रहे हैं, और डेली का काम है अपना यही करना, सुबह सुबह यहाँ आकर वादियाँ ही वादियाँ हैं अपने आसपास, तो शहर वालों को शायद नहीं मिलती होंगी, बट गाँव की लाइफ स्टाइल तो आप देख सकते हो ब्लॉग में, यही कुछ सीन है। उधर गाँव है, गाँव दिखाई नहीं देगा। इस पेड़ को आप जानते हो किस चीज़ का पेड़ है, आप जानते हो तो कमेंट में बताना नीचे। चलिए अभी मैं बताता हूँ, ये पेड़ जो आप मेहंदी लगाते हो ना, मेहंदी उसका पेड़ है। तो इसको क्या अभी काट कर, काटने के बाद इसे सुखाने के लिए रख दिया जाएगा, तब जाकर इसके ये पत्ते पत्ते आ जाएंगे, तब इसको कट्टे या बोरी में भरकर बाजार में बेचने ले जाते हैं, जिसके बाद फैक्ट्री में ले जाकर कहीं भी उसका पैकेट में बनकर आ जाता है आपके लिए। तो यही है मेहंदी का पेड़, नहीं देखा तो देख लो। ऐसे कुछ फल लगते हैं, ये बीज हैं इसमें अंदर, ये फूल हैं, मस्त से फूल हैं, खुशबू भी मस्त आती। तो देख सकते हैं कितने सारे हैं यहाँ पर, ये यहाँ यहाँ मतलब सारे खेत के आसपास है ये, क्योंकि इसकी बागड़ भी हो रही है, और अभी इसको दीपावली पर काट कर सुखा कर बेच देंगे। अभी तो बिकती अभी नहीं, बिकती होंगी लेकिन भाव नहीं मिलता होगा, बट दीपावली पर क्या वो भैंसों गायों को रचाने के लिए ज़्यादा काम में आती है, तो तब जाकर बिकती है। जैसे पैकेट में अलग से बनती है, और वो अलग से आती, खुली भी आपने देखी होगी मार्केट में। सो कोई भी अगर ऐसा हो जिसने पेड़ आपने नहीं देखा हो,
तो कमेंट में नीचे बताना यार किस किस ने ये पेड़ नहीं देखे मेहंदी वाले। शायद ये तो नई चीज़ होगी क्योंकि शायद ही किसी ने ब्लॉग में दिखाया होगा, बट दिखा देता हूँ। अपना ब्लॉग चैनल है देसी लाइफ स्टाइल का, क्योंकि अभी बाहर तो जा भी नहीं सकते हैं, देख रहे हो आप कोरोना सिचुएशन है। और पता नहीं यार ये सुबह सुबह गले में क्या हो जाता है, सही से आवाज़ ही नहीं निकलती है, शायद चाय नहीं पी इसी वजह से, और चाय अपन पीते नहीं हैं। उधर वो है नदी, उसमें भी पानी भी नहीं है भाई, क्या दिन आ गए, बरसात आधी से ज़्यादा निकल गई, पर नदियों में पानी नहीं है इस साल, तो बरसात की कमी है अभी। बरसात अभी मतलब इस तरीके से हो रही है यहाँ पर कि बरसात आधी से ज़्यादा आ गई है, बट क्या पानी अभी 4 से 5 बेरी पड़ा होगा, और इसी में ये फसल हो रही है। बस क्या टाइम टाइम पर पड़ जाता है, बिल्कुल ज़रूरी पड़ती है तब पड़ जाता है, तो ये फसल हो रही है, वरना ये भी सूख जाती है अगर एक बार ही चांस मिस हो जाता तो। सो इस साल तो पता नहीं नेचर क्या खिलवाड़ कर रहा है, देखते हैं क्या कुछ होता है, आप भी देखिए हम भी देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। नेचर से खेलेंगे तो उलझ कर रह जाएंगे भाई, इसलिए इसको एंजॉय कीजिए जो हो रहा है उसको। इस साल तो भाई पता नहीं हो ही क्या रहा है, साला क्या ये चारा है ना, खरपतवार की दवाई अभी सोयाबीन में डाली गई थी, लेकिन साला ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसने अब तक खाओ कि हमारा चारा मारा हो, किसी की भी खरपतवार ये चारा फालतू का होगा रहता है वो किसी का भी नहीं मरा, पता नहीं कि दवाई फेल कर रखी सालों ने, बट सारी मुसीबतें किसान पर ही हैं। कोई नहीं यार, अपने खेत में तो इतनी खतरनाक तरीके से है भी नहीं है, क्योंकि अपन और अपनी चला दी थी कि इसलिए इनके में चारा हो रहा है, बट दवाई भी फेल निकल गई तो क्या कर सकते हैं यार, अपन ने पहले ही व्यवस्था बना दी थी उसकी, तो उसका काम चल गया अपना, अपने को कोई टेंशन नहीं। अभी तो पानी की कमी की वजह से ये दो पेड़ हैं अपने छोटे छोटे जाम पल के, इनमें जाम पल के फूल भी नहीं आए भाई, फूल तो आए कोई बड़ और लग रही खा जाती भाई साहब, अभी नीचा कर देता तो खाई जाती कसम से, तो इसमें फूल नहीं आए अब की बार नहीं तो, एक ये वही लग रही थी छोटी सी, ये और साल इतनी लगती थी कि ये ढाल नीचा जाती थी छोटी छोटी, और इस साल पानी की कमी की वजह से शायद किसी और वजह से इसमें फल भी नहीं आया, एक इधर लग रही है बस, कोई कोई सी देखने को मिलती है, लेकिन हर साल इतनी लगती थी कि ऐसे हो जाते थे पेड़। कनीर इधर ये मस्त, ये जो पेड़ आपने देखे जिमीकंद, आपने आप जिमीकंद को शायद जानते हो नहीं, ये जिमीकंद का ही पेड़ है, देख लो अगर जानते हो जिमीकंद, उसका क्या ऐसा आता है ऐसा कुछ लाल कलर का रेड कलर का, तो उसकी सब्जी बनाई जाती है सूखी वाली, शायद उससे मुंह भी पड़ जाता है कच्ची खा लें तो, वो वाली सब्जी, तो ऐसा पेड़ होता है इसके अंदर लगे होते हैं, खुदेंगे बरसात बाद बरसात में उगते हैं। और वहाँ है नदी से ओलियांग ओलियांग, अपन ने भी नई जगह ली है, वो पिछले ब्लॉग में मैंने जो बताई थी, शायद ये ब्लॉग पी लिया जाए वो बाद में जाए, तो टेंशन मत करना। इधर है अपना कुआँ जो कि अभी चढ़ चुका है समथिंग 3 से 4 हाथ, क्योंकि 2 बार नदी थोड़ी थोड़ी निकल कर गई है, वो भी यहाँ पानी नहीं पड़ा, ऊपर पानी पड़ गया नदी पर, इसीलिए वो ऊपर आ गया, कापचा भाग गया, कापचे को थोड़ी सी आवाज़ क्या आ जाए भाग ही लेता है भाई। इधर लगे मस्त गुलमोहर गुलार क्या कहते हैं उसके फूल, वहाँ का सीन तो पहले आपने देख ही रखा होगा, बरसात की वजह से मोटर नहीं चलती है तो चारा हो गया है, अभी डोरी मोरी सब पड़ी है ऐसी बंद कर रखी है हेड़कर। इधर खेड़ में तो कजई कजई हो चुकी है, ये क्या हाल हो चुका है इस खेड़ का, कभी तो नहाया करते थे इसमें, आज कजई 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 हैं, तो देख सकते हैं मेघड़ा समथिंग समथिंग साफ हो रहा है। तो यही कुछ यार ब्लॉग में दिखाने के लिए, और क्या दिखा सकता हूँ मैं, तो आप इन्जॉय कर रहे हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए यार अच्छे लग रहे हैं ब्लॉग, और क्या कमी है तो कमी बताइए यार प्लीज़ आप, तो कि मैं क्या कमी कर रहा हूँ बोलने में, आई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है लेंस से, या पर कोई और बात कोई और प्रॉब्लम, अपनी आँखें भी थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही हैं आवाज़ भी, क्योंकि अभी टाइम बढ़ता जा रहा है, सूरज नारायण ऊपर आते जा रहे हैं, मेघड़ा भी छटता जा रहा है, मेघड़ा कहते हैं यार यहाँ पर, आप शायद खोरे में समझते होगे खोरा फॉग जो कुछ भी, बट यहाँ पर मेघड़ा कहते हैं तो उसी की आदत पड़ रही है मुझे। तो चलिए थोड़ा बहुत क्या कुछ होता है दिन में इसको शूट करते हैं, जिसके बाद सॉरी गाइस एक और पेड़ दिखाई देता हूँ आपको, आंवले का पेड़ है ये, इसमें आंवले खाए होंगे आपने, जो कि हमारी क्या तोंदी में और एक और मतलब बहुत सी चीज़ों में काम में आता है, इसमें शायद विटामिन डी या सी, इसे रतौंधी के काम में, इसकी पूरी डिटेल सर्च करके गूगल पर तब जाकर बताता हूँ, सब कुछ पता था मुझे, लेकिन क्या यार खिसक जाता है माइंड से, यहाँ पर तो सब कुछ मिलता है खाने पीने को, यहाँ पर ज़्यादा इतने भारी कोई बीमार भी नहीं पड़ता, पड़ते हैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन
सब चीज़ मिक्सअप हो जाती है, यहाँ नेचुरल चीज़ है सब कोई। आंवले के बहुत से फ़ायदे हैं, आँखों की रोशनी बढ़ाने में काम में आता है, हमारी सबसे बेस्ट इस टाइम में इम्यूनिटी बढ़ाने में काम में आता है, और जो दाग मुहासे हो जाते हैं जैसे कि कभी कभी मेरे हुआ करते थे उन्हें साफ़ करने में काम में आता है, और जल्दी बड़ापन ही आता है, इसमें विटामिन सी होती है, और भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। आप गूगल पर कीजिए सर, सब कुछ मिलता है यार गूगल पर, आज का टाइम इंटरनेट का है, ऑनलाइन है। कल साला एक और बात, अपना क्या चालान कट गया साला, चालान भी मेमोरी स्टोरेज भरा गई थी मोबाइल की, तो क्या कर सकते हैं यहाँ साला मोबाइल, बहुत सी वीडियोस भरी पड़ी हैं अपनी उस वीडियोस उस चैनल के लिए, तो वीडियोस रखना पड़ता है फुटेज नॉन कॉपीराइटेड। चलिए नेचर तो इधर हुआ पड़ा है एकदम मस्त, इधर वे फूल दिख रहे हैं एकदम से मस्त, नेचर ही नेचर है गाँव में, तो भाई बरसात के टाइम में तो बस नेचर में जैसे खो जाओ। तो आगे क्या बात कर रहे थे अपन, चालान के बारे में। तो चालान अपना पता नहीं क्यों काटा, इसलिए काटा क्योंकि मैंने क्या मास्क नहीं पहना था, बट हालांकि मैंने रुमाल फेन रखा था फिर भी चालान काटा, क्यों काटा डोंट नो भाई, पर मुझे बहस नहीं करनी थी। 100 रुपये दे दिए अपन ने, 100 रुपये का चालान था, जो भी कुछ करें लेकिन अपन से तो ले लिया, हालांकि रुमाल बांध रखा था, एक मिस्टेक क्यों हो गई मुझसे, जब भी वो रुमाल यहाँ पर लटका हुआ था मेरा, गिर गया था हवा में, बाइक तेज़ चल रही थी, तो पुलिस वाले को देखकर मैंने ऊपर किया, वो पुलिस वाले मुझे ही देख रहे थे, वो रोक कर उधर किया साइड से करो, तो भाई इसी के चक्कर में लिया होगा शायद, वरना रुमाल से गमछा बांध लेते हैं तो लेते तो नहीं है, भटकिया मास्क सब कुछ रेडी होकर जाना है पड़ेगा बाजार, नहीं तो भाई मास्क, हालांकि रुमाल लगा रखा था मास्क, वैसे रुमाल से काम चल जाया करता था अपना, क्योंकि जब अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कह रखा है गमछा रुमाल जो कुछ भी आपके पास उसे लपेट कर रखो, तो मैंने भाई वही कर रखा था, लेकिन पुलिस वालों को पता नहीं क्या चुल्लू मची, शायद वो मैंने नीचा हुआ और ऊपर किया उसकी वजह से उन्होंने काट दिया, तो कोई नहीं कट गया अपना, तो आप आगे से ध्यान रखिए, सेफ्टी बरती है यार, ये टाइम चल रहा है निकल जाएगा एक दिन, ये सट मड़े ऐसी हो रही है तो इसके लिए माफ़ कर दीजिए, और हरियाली का इंजॉय कीजिए, एक्सपीरियंस मिल गया लाइफ में चालान का भी भाई। तो लाइफ में आपकी समस्या तो आती हैं, बट वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उन समस्या में क्या करते हैं, रोना रोते रहते हैं या खुद को कोसते रहते हैं मैंने ऐसा क्यों किया, बट आपको ये करना चाहिए कि आपने उससे सीखा क्या, तो एक एक्सपीरियंस मिला जो कि आगे से मिस्टेक नहीं होगी, आगे से सुधार करेंगे उसमें, तो ऐसा ही एटीट्यूड रखिए अपना, मैं तो हमेशा ऐसा ही सोचता हूँ भाई क्या कर सकते हैं, तो है अपने पास ऐसा नेचर, और अपने पास ये नेचर भी मस्त है एकदम, वादियों में उधर नदी है, इधर फूल मूल सब है एकदम, चिड़ियों की चहचहाट क्लियर सुनाई दे रही होगी, आगे तक बने रहिए। तो भाई कैमरे में तो नेचर भी काला आ रहा है यार, क्या कर सकते हैं, बट लाइव आंखों से देखते हैं तो वो नज़ारा कुछ अलग ही होता है, कुछ नहीं ची 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 कर रही हैं, रात को रिकॉर्डिंग नहीं करने देती हैं, बैकग्राउंड में आप सुनते होगे ना बहुत से कमेंट आते हैं भाई कि ची 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 क्यों करती है आपकी, सब बताते भी हैं, सब प्रॉब्लम पूछते हैं, बट क्या कर सकते हैं, ये अभी सुन रहे हो ना आप ची ची ची, ये इतना बड़ा कीड़ा होता है साला, वो उसका यही काम है बरसात के टाइम पर, और सर्दियों में भी शायद यही होगा, देखते हैं कुछ सॉल्यूशन मिलता है इस सिचुएशन का भाई, वो तो नेचर है उसे अपना काम करना है, अपने को अपना काम करना है, अपना जुगाड़ देखना है, व्यवस्था बनाना है, उनके हिसाब से वो कर रहे हैं ऊपर बैठकर चींटी थी, अपने को अपनी करना है जैसे भी कोई व्यवस्था बन जाए, चलिए घूमते हैं फिरते हैं घर चलते हैं गाना खाते हैं और देखते हैं कुछ हो सकता है होता है। नदी में जस्ट इतना ही पानी है, बट चढ़ती है तो इधर इधर ये सारा दिख रहा है ना, इधर के ऊपर उड़ जाती है, बट ऐसा लग रहा है कि इस टाइम वो टाइम देखने को नहीं मिलेगा, बट कोई नहीं नदी ज़्यादा नहीं दिख सकता क्योंकि गाँव के लोग उधर इधर बीच में तो धार बंदी हो गई, यहाँ पेड़ दिख रहा है बस, ये गड्ढे भरा ले रहे हैं और कुछ और कुछ तो नहीं, नदी की वजह से आपने सुना होगा भूस्खलन हो जाता है, तो यही भूस्खलन से पीड़ित जगह, पेड़ इधर से नहीं गई इधर पेड़ इधर से नहीं गई, मैंने देखा है कि जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ से भूस्खलन की वजह से जगह जाती नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि पेड़ों को बचाइए पेड़ ना काटिए, अगर यहाँ पेड़ होता तो यहाँ भूस्खलन होकर ये जगह नहीं जाती पहले, तो इसीलिए